हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो। मेरा यूट्यूब चैनल एलई टीवी गुरु में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है और आज आए हूँ बिल्कुल न्यू वीडियो के साथ में। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं पिक्चर सेटिंग के बारे में। आज जो हम टीवी कवर कर रहे हैं वो सैमसंग का स्मार्ट एलई टीवी को कवर कर रहे हैं और दिखाएंगे आप पिक्चर सेटिंग कैसे कर सकते हो। साथ में एलजी स्मार्ट टीवी की बताएंगे एंड एमआई टीवी के बारे में भी आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो प्लीज चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे कोई न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको सर्च ना करनी पड़े। तो फ्रेंड्स, आप करते हैं वीडियो को लाइव। तो दोस्तों, मेरे पास ये जो टीवी है ये 60 इंच का सैमसंग का 4K एलईडी टीवी है। आपके पास अगर 32 इंची हो, 43 हो, या 50 या 55, कोई सा भी साइज हो, मैटर नहीं करता। पिक्चर्स क्वालिटी सेटिंग सबका जो मेन्यू वो सेम है, होम मेन्यू। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, तो ये 60 इंच का आपका एलईडी टीवी है, ठीक है, सैमसंग का। आपके पास कोई सा भी साइज हो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आप इसके अंदर मैं आपको होम बटन जब प्रेस करोगे तो अभी न्यू जो नई लेटेस्ट सैमसंग की 4K स्मार्ट टीवी आई है उसके अंदर जो होम पेज है वो चेंज हो चुका है, इस तरह से आने लग गया है। बट आपको मेन्यू में जाना है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे मेन्यू, मेन्यू के बाद सेटिंग्स, सेटिंग में ऑल सेटिंग, ऑल सेटिंग में आप जाओगे तो इस तरह से आपका होम पेज आ जाएगा। अगर आप 32 इंच का है तो वहां पे आप डायरेक्ट सेटिंग में भी जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपका, इस तरह से आपका ये आएगा होम पेज, जहाँ पे साउंड फर्स्ट में पिक्चर्स मोड मिल जाएगा। अभी क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक यहाँ पे इसलिए कर रखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइट है शोरूम के अंदर, तो यहाँ पे कंट्रास्ट लेवल, और डायनेमिक में बहुत ज्यादा कंट्रास्ट लेवल होती है, ब्राइटनेस होती है, पिक्चर्स ज्यादा क्लियर और ज्यादा शार्पनेस दिखती है, ठीक है। पर घर पे क्या होगा कि आपका रूम में एक लाइट या दो लाइट होगी तो वहाँ पे इतने कंट्रास्ट लेवल की रिक्वायर्ड नहीं होगी, तो वहाँ पे आपको पिक्चर जो है डायनेमिक से कम करना होगा। अगर अब यहाँ पे 3 सेटिंग आपको मिल जाती है, डायनेमिक, स्टैंडर्ड, मूवी, ठीक है। तो मूवी में जब हम रात में मूवी देखते हैं तो वहाँ पे ज्यादा आपको ब्राइटनेस ना चुभे तो मूवी भी कर सकते हो। अभी देखो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मैंने कर दिया है तो स्टैंडर्ड पे पिक्चर क्वालिटी चेंज हो जाएगी आपकी। उसके अलावा अगर आपको और नेक्स्ट सेटिंग करनी है तो आप उसमें, ये स्टैंडर्ड हो चुकी है इसके अलावा, और ये मूवी है। जैसे मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पे कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा स्टैंडर्ड पे, और डायनेमिक, डायनेमिक में बहुत ज्यादा कंट्रास्ट लेवल हो चुके हैं। पर अभी क्या है कि ये तो एक फिक्स सेटिंग है इसकी, कि इसके अंदर जो भी कंपनी ने दी है, क्योंकि डायनेमिक में कंट्रास्ट इतने रहेंगे, स्टैंडर्ड में कंट्रास्ट इतने रहेंगे, मूवी में, बट हमें अपने हिसाब से जो कलर है वो सेट करने, तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप फिर वहाँ पे जाओगे, यहाँ पे पिक्चर्स मोड पे थर्ड है एक्सपर्ट सेटिंग, एक्सपर्ट सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आ जाता है कंट्रास्ट, जो ब्राइटनेस है वो 33 है। अगर आप ज्यादा कम भी कर सकते हो, करने हैं तो आपको यहाँ से, ठीक है, 40, 43 या 35। उसके अलावा ये कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट 50 है। कंट्रास्ट लेवल अगर आप फुल रखोगे तो आपके पिक्चर्स बहुत ज्यादा शाइनिंग और कलर आपको ज्यादा नजर आएंगे। कंट्रास्ट कम करोगे तो आपको डलनेस नजर आएगा। तो अगर आपको ज्यादा पिक्चर ब्राइटनेस और ज्यादा कलरफुल देखते हो तो कंट्रास्ट हमेशा आपको फुल रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा शार्पनेस, शार्पनेस आपको जैसे 10 है तो 5 पे ही रखना है आपको शार्पनेस में। उसके अलावा आपको कलर 25, ठीक है। और मान लीजिए आपको आपकी पिक्चर सेटिंग आपसे छिड़ गई और आपको कलर्स नहीं सेट हो रहे, तो अब क्या करना है, आपको यहाँ से नीचे जाके रीसेट पिक्चर क्वालिटी कर लोगे, जो बाय डिफॉल्ट कंपनी से आती है वो आपकी पिक्चर सेट हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डिफॉल्ट रीसेट पिक्चर क्वालिटी आती है, यहाँ पे करोगे रीसेट पिक्चर क्वालिटी, तो रीसेट करोगे तो जो भी आपका, ऐसे मान लीजिए आपने छेड़ने की कोशिश करी और आप पिक्चर क्वालिटी सेट नहीं हो रही, तो आप रीसेट पे कर सकते हो, रीसेट करा तो उसमें क्या आपकी बाय डिफॉल्ट जो पिक्चर क्वालिटी वो सेट हो जाएगी आप। अभी देखो 33 हमने छेड़ा था, इसको 45 किया था, तो रीसेट में वो जो 33 कंपनी की वो सेम हो चुकी है। कंट्रास्ट लेवल 50 हो चुका है, शार्पनेस 10 हो चुकी है, कलर आपके 25 हो चुके हैं जो कंपनी से बाय डिफॉल्ट आए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी कोई सा भी साइज का टीवी हो सेटिंग कर सकते हो, अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो।
आपके रूम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, अपने रूम के अकॉर्डिंग की लाइट लगी उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पिक्चर क्वालिटी को सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये तो आपका सैमसंग का होगा, आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। एक तो बाय डिफॉल्ट होती है, तीन होती है, इसमें डायनेमिक होती है, होम आपका मूवी वाला होता है, ठीक है। उसके अलावा एक होता है एक्सपर्ट सेटिंग, जो कि आप अपने हिसाब से कलर चॉइस कर सकते हो। अब हम बात करेंगे दूसरे LG की, फिर करेंगे हम MI की। इस तरह से सब अपनी पिक्चर क्वालिटी सेट कर सकते हैं, और आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।